सोने और चांदी की कीमतों में भारी उतार चढ़ाव देखने को मिला है। ऐसे में जान लेते हैं कि आज 22 कैरेट और 24 कैरेट सोने का भाव कहां पर पहुंच चुका है। इसी के साथ में चांदी की कीमत में कितनी गिरावट आ चुकी है। लेकिन इससे पहले यहां पर बड़ी खबर है कि धनतेरस में सोना 40 साल की बिक्री का तोड़ सकता है रिकॉर्ड। जी हाँ, कोरोना काल के बाद अब सोने और चांदी की खरीदारी में तेजी आ सकती है, जिसके संकेत मिलने लग चुके हैं। दरअसल इंडियन बुलियन ज्वेलर एसोसिएशन के अनुसार दशहरे में सोने की बिक्री का पिछला 20 साल का रिकॉर्ड टूट चुका है और ऐसे में कहा जा रहा है कि जल्द ही सोने और चांदी की बिक्री दिवाली पर 40 साल का रिकॉर्ड तोड़ सकती है। जानेंगे इसका असर सोने और चांदी की कीमतों पर क्या होगा। लेकिन इससे पहले जान लेते हैं कि आज सोने और चांदी का भाव कहां पर पहुंच चुका है। सबसे पहले बात करते हैं चांदी की कीमतों की, तो आज चांदी का भाव 1 ग्राम पर 66 रुपए, 8 ग्राम पर 528 रुपए, 10 ग्राम पर 660 रुपए, 100 ग्राम पर 6600 रुपए, 1 किलोग्राम चांदी का भाव 66000 रुपए पर पहुंच चुका है। सोने की कीमतों की बात करें तो आज 14 कैरेट सोने का भाव 28624 रुपए प्रति 10 ग्राम पर भाव पहुंच चुका है, तो वहीं 18 कैरेट सोने का भाव 36800 रुपए प्रति 10 ग्राम पर भाव पहुंच चुका है। इसी के साथ में भारत के बड़े शहरों के 22 कैरेट और 24 कैरेट सोने के भाव दिए गए हैं, जिसमें चेन्नई, मुंबई, नई दिल्ली, कोलकाता, बेंगलुरु, हैदराबाद, केरल, पुणे, वडोदरा, अहमदाबाद, जयपुर, लखनऊ, कोयम्बटूर, मदुरई, विजयवाड़ा, पटना, नागपुर, चंडीगढ़, सूरत, भुवनेश्वर, मैंगलोर, विशाखापट्टनम, नासिक और मैसूर का भाव यहाँ पर आपको दिया गया है। वही आपको बता दें कि सोने और चांदी के भाव में दिवाली और धनतेरस के मौके पर सोने के भाव में भारी उतार चढ़ाव भी देखा जाएगा। वही अगर 22 कैरेट सोने की कीमतों की बात करें तो यहाँ पर 1 ग्राम पर 4598 रुपए, 8 ग्राम पर 36784 रुपए, 10 ग्राम पर 45980 रुपए, 100 ग्राम पर 6,59,800 रुपए 22 कैरेट सोने का भाव पहुंच चुका है। 24 कैरेट शुद्ध सोने की कीमतों की बात करें तो यहां पर 1 ग्राम पर 4,907 रुपए, 8 ग्राम पर 39,256 रुपए, 10 ग्राम पर 49,070 रुपए, 100 ग्राम पर 6,90,700 रुपए 24 कैरेट शुद्ध सोने का भाव पहुंच चुका है।